राजस्थान कलाओं का प्रदेश है। राज्य में पहले बहुत लड़ाई हुआ करती थी, इसलिए ढाल को उपयोग में लिया जाता था। पुराने समय से चली आ रही परंपरा आज भी बरकरार है और ये पुरुषों की शुभ चिंतक का प्रतीक है। आप ये क्यों बना रही हो? ये जो बनावे ये होली पे काम आती है ढाल, और इसको भरते हैं मिठाई से साथ ये लगा के, और फिर बच्चा पूछ के नहीं, और बच्चा लड़को हाथ में ले के नहीं, और इनने मतलब सिर पे धर कर नहीं जो घूमे। ये ढाल क्यों खरीदी है आपने? ये होली का त्योहार है, जो ढाल तलवारों की पूजा होती है आज के दिन, और शुभ मांगलिक है ये, और जो बेटा होते हैं उनकी खुशी के लिए ये त्योहार। यदि किसी के बेटा नहीं हो तो भी भरते हैं ये। तो वो किसके लिए भरते हो आप? ये जो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए। इस कला से एक महिला को काफ़ी अच्छा रोजगार भी मिल रहा है, वो साल भर में 20-25 हज़ार रुपये कमा लेती है, जबकि ये पुरुषों का शुभ चिंतक मानते हैं। कैसे भरा जाता है इनको? अपने जो भी बना के रखे तो वो बना हुआ है, जो बनावे नहीं साथ ये लगा के बनावे, पर जैसे बाजार से लड्डू वड्डू पहल पहल की, जैसे बच्चा लड़का हो पहल पहल तो लड्डू भर के नहीं, साथ ये लगा के नहीं, खिलौना मिठाई वगैरह। क्या कारण है कि लड़कियों की नहीं भरी जाती है ये? अब लड़कियों की ये परंपरा चली आई है पहले से। अब लड़कियों के लिए तो इसलिए नहीं है कि क्योंकि वे पंचवृत्ति नहीं करती, पंचवृत्ति वो दूसरे की करती है, तो दूसरे के घर में ही जाके वो पूजन उसका होता है, बाकी खुद के घर में जिस घर में जन्म हुआ होता है उस घर में उसका पूजन नहीं होता। जबकि इसको बनाने में काफ़ी समय लगता है, पहले महिलाएँ फ्री रहती थी तो इन समय अपना समय व्यतीत करती, आजकल महिलाएँ को समय नहीं मिलने के अनुसार ये मार्केट में बिकने लगे हैं, और एक दो परिवार ऐसे हैं कि जो सभी महिलाओं को सभी पुरुषों की बात को ध्यान में रखते हुए इसको बनाते हैं और मार्केट में बेचते हैं। चार बेटा हो तो चार, पांच हो तो पांच, और यदि आपके पांच बेटियां हो तो? बेटियां हो तो बेटी की भरो, पांचों भरोगे? बिल्कुल, यहाँ का शक्ति बात त्योहार तो मनाई नहीं, बेटी हो चाहे बेटा हो। हमारी राज्य सरकार ऐसे छोटी छोटी कलाओं पर ध्यान दे और उनको आर्थिक सहायता दे, जिससे पुराने समय से चली आ रही कलाएं जीवित हो सके। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के लिए।